हेलो एवरीवन, वेलकम टू तृप्ता इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप रिलाय अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कैश विड्रॉल की एंट्री को कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले सॉफ्टवेयर को ओपन करके कंपनी के मेन मेन्यू में एंटर होना होगा। हम यहाँ ऑलरेडी कंपनी मेन्यू में हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिलाय में कैश विड्रॉल्स की एंट्री करने के लिए यहाँ पर ट्रांजैक्शन, बैंक बुक, पेमेंट पे एंटर करेंगे। बैंक की डे बुक की लिस्ट आ जाएगी, इसमें जिस बैंक से आपने कैश विड्रॉल किया है उस बैंक को आपको सिलेक्ट कर लेना है और एंटर की प्रेस कर देनी है। जैसे ही आप एंटर की प्रेस करते हैं तो बैंक की एंट्री का फॉर्म ओपन हो जाएगा। डेट, यहाँ पे आपको चेक पे जो डेट है वो डाल देनी है। वाउचर चेक नंबर, यहाँ पे आपको चेक पे जो नंबर है वो डाल देना है। एंटर कर देंगे अकाउंट कोड, यहाँ पे आपको एंटर की प्रेस करनी है और अकाउंट्स की लिस्ट आ जाएगी। इसमें से आपको यहाँ पे कैश विड्रॉल अकाउंट को सिलेक्ट करना है और एंटर की प्रेस कर देनी है। रिमार्क्स, अगर एंट्री रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन हो तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। पेमेंट्स, यहाँ पे आपको जितना अमाउंट विड्रॉ करना है वो एंटर कर देना है। हम यहाँ पे 500 रुपीज़ डाल रहे हैं, एंटर की प्रेस कर देंगे। पेमेंट टाइप, यहाँ पे आपको नॉर्मल ऑप्शन सिलेक्ट करना है और एंटर प्रेस कर देना है। सेव, यहाँ पे आपको यस ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है, एंट्री सेव हो जाएगी। यहाँ पे आपकी एंट्री आ चुकी है कैश विड्रॉल की। अगर आपको इस एंट्री को प्रिंट करना हो तो आपको यहाँ पे एक बार एस्केप की प्रेस करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे एंटर एंटर कर देना है। यहाँ पे एंट्री आ जाएगी, आपको यहाँ पे फिर से एस्केप की प्रेस करनी है और प्रिंट ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है, एंट्री प्रिंट हो जाएगी। इस तरह से आप रिलाय अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कैश विड्रॉल की एंट्री को कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।